अपने विधायक को भाषण में किस रूप में देख रहे हैं? राजनीति का एक हिस्सा है, ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है, शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी न किसी दल में उन्होंने अपना बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। और बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी उनका उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है, उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे जिसकी वजह से परिणाम आया, बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरेस्ट मैटर बीजेपी अब लगातार लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वो एनडीए का हिस्सा बने तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी भाजपा से हुई थी ये नहीं जानते, हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त की तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि तमाम बातों का जिक्र होता है, उनके क्या शर्तें रखी गई नहीं रखी गई। तो इसलिए ये कहना उनके गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसकी इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, उनके जो घटक दल है वही इस पर फैसला लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।